आई एम यूनिवर्सिटी एंड यू इसमरिमानॉचिंग ऑन यूट्यूब चैनल आई एम नोट बुक आज uh, हम लोग जो एम सी के डिस्कस करने वाले हैं वो करेक्ट यूज़ ऑफ़ प्रपोजेशन पे हम लोग वेरियस एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे और हम उनके थोड़े से uh, साथ साथ एक्सप्लेशन भी देंगे कि ये वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है ओके okay. दे हैव बिन लर्निंग डैश फाइव ईयर्स अब देखिए यहाँ पर फाइव ईयर्स आपको क्या दिया जा रहा है एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है आपको उसका ना स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है ना एंड पॉइंट बताया जा रहा है तो जब आपको सिर्फ सिर्फ एक टाइम पीरियड दिया जाए तो आप उसके लिए फॉर का कर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दे हैव बिन लर्निंग फॉर फाइव ईयरस हो जाएगा ठीक है ही हैज़ बिन इल डैश यस्टरडे तो ही हैज बिन इल अब आपको देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट अब दे दिया गया और उसका टाइम पीरियड नहीं दिया तो ही हैज बिन इल सिंस यस्टरडे आप यहाँ पर यूज़ करेंगे ठीक है अगर यहाँ पे होता है ही हैज़ बिन इल फॉर टू डेज और थ्री डेज ठीक है तो यहाँ पे आपको थ्री डेज या टू डेज टाइम पीरियड दिया गया तो आप यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे लेकिन यहाँ पे येस्टरडे है तो आपके पास एक स्पेसिफिक इनिशियल टाइम पीरियड दिया गया तो आप सेंस यूज़ करेंगे She has been cooking dash morning. देखिए अब यहाँ पे भी time period starting वाला uh, जो point है वो दिया गया time period नहीं दिया गया तो आप यहाँ पे since morning use करेंगे Okay. शी ट्रेवल्ड डैश ट्रेन शी ट्रेवल द बाई ट्रेन ठीक है ट्रेवल के साथ हमेशा बाई का वर्ड यूज होता है शी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन द बुक फेल डैश द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड ठीक है ऑन द ग्राउंड ही हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूजिक तो ही हैज नो टेस्ट इन म्यूजिक नहीं आएगा फॉर म्यूजिक आता है शी डिपेंड्स डैश मदर हर मदर शी डिपेंड्स ऑन हर मदर नॉट ओवर हर मदर

He threw himself into the river theek hai रिवर नॉट इन द रिवर ठीक है थ्री इन टू होता है the meeting has been put off, o -f off and on. देखिए जब कोई चीज खत्म की, की जाती है ना तो पुट ऑफ उसके लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ जो है वो यूज होगा ही क्राइड डैश द टॉप ऑफ his voice. ही क्राइड एट द टॉप ऑफ his voice.

1998 नाइनटी एट तो यहाँ पर होगा शिवॉज़ बॉर्न इन नाइनटीन नाइन्टी एट का वर्ड हम तब यूज़ करते अगर हमने कोई प्लेस यहाँ पर यूज़ की होती लेकिन चूँकि हमने कोई प्लेस नहीं यूज़ की तो शिवज़ एगरी सॉरी शिवॉज़ बॉर्न इन नाइनटीन नाइन्टी होगा लेकिन अगर होता she was बॉर्न at Islamabad या was बॉर्न एट this हॉस्पिटल ठीक है तो वहाँ पर AT का वर्ड यूज़ होता ओके okay. शिकॉल डैश मी लास्ट नाइट called ऑन me लास्ट नाइट ठीक है मतलब उसने मुझसे मुलाकात की पिछले दिन पिछली रात को सॉरी ही प्रेफर्स डैश सॉरी मिल्क डैश टी ही प्रेफर्स मिल्क टू टी बाय टी या विद टी ही प्रेफर्स मिल्क टू टी ठीक है यानी ये कि वो जो है वो दूध को चाय के मुकाबले में ज़्यादा पसंद करता है अगर होता है तो ही प्रेफर्स मिल्क विध टी तो देखिए ये कोई सेंस नहीं बनती अगर आप कहते हैं कि ही प्रेफर्स ही प्रेफर्स टी डैश मिल्क तो फिर हम विद का यूज़ कर सकते थे कि मतलब उसको uh, uh, ऐसी चाय पसंद है जिसमें दूध हो ठीक है तो हम तब वहाँ पर विद यूज़ करते लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी देखनी है मोहन डील्स डैश ग्रेन विद ग्रेन्स नहीं होगा इन ग्रेन यानी ये कि वो जो है वो uh, ग्रेन्स की लेन देन में Involved it okay. Congratulations, dash your success. It is congratulations on your success. She was just standing dash the gate. She was just standing inside the gate. You should give dash smoking, you should give up smoking, not off. You must listen, dash your teacher. You must listen to your teacher.

Dash. He has no house to live in.